मिशन इंद्रधनुष के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्वास्थ्य भवन में बुधवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक आयोजन किया गया। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर सीएस गजराज, आरसीएचओ डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह सहित कई चिकित्सा अधिकारी और जिला स्तर से विभिन्न अनुभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की समीक्षा कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित कर बेहतर लक्ष्य अर्जित करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मिशन इंद्रधनुष के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्वास्थ्य भवन में बुधवार को आयोजित कर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर गजराज ने मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की समीक्षा कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित कर बेहतर लक्ष्य अर्जित करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा संस्थाओं में आने वाली गर्भवती महिलाओं की 4 ANC चेकअप की सुनिश्चित कर जिले में 100% टीकाकृत बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कवरेज का इंद्राज यूविन सॉफ्टवेयर में करने के निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए। बैठक के दौरान RCHO डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, WHO के SMO डॉक्टर पंकज, UNDP से पंकज भट्ट सहित अन्य अनुभाग अधिकारी, समस्त BCMO, BPM, BNO सहित चिकित्सा अधिकारियों व जिला स्तर से विभिन्न अनुभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक के दौरान CMHO ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर लक्ष्य अर्जित करने के लिए ANM व आशाओं की जानकारी को अपडेट करने की आवश्यकता है और यह तभी संभव होगा जब अधिकारी स्वयं की जानकारी को अपडेट रखेगा। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को IMI 5.0 के तहत घर घर जाकर सर्वे प्रपत्र आशाओं के माध्यम से भरवाने, 1 से 2 वर्ष व 2 से 5 वर्ष तक के टीकाकरण से वंचित बच्चों को प्लान तैयार कर छूटी हुई मिजल्स रूबेला वैक्सीन लगाने के साथ ही टीकाकरण में आ रहे गैप को सही करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान RCMHO ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जिले की प्रगति से अवगत कराकर यूविन सॉफ्टवेयर की जानकारी देते हुए कहा कि यूविन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश के लाभार्थी गर्भवती महिला और बच्चों को देश में कहीं भी टीके लगवाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि यूविन पोर्टल के जरिए अब जच्चा बच्चा के लिए लगने वाले टीकाकरण कार्ड को संभाल कर रखने की आवश्यकता नहीं है। टीकाकरण कहाँ कब लगा और आगे कब लगना है कि तमाम जानकारी खुद के मोबाइल पर भी उपलब्ध रहेगी तथा लगाए गए टीके का ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी निकाला जा सकेगा। WHO ने डॉक्टर पंकज ने कहा कि अगस्त माह से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत होगी। इसे सफल बनाने के लिए हर गांव एवं ढाणी में हेड काउंट कर सभी गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की जानकारी जुटाएं। 3 माह तक अतिरिक्त सत्र लगाकर सभी छूटे हुए लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा।